नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा एक प्रकार का कॉल सेंटर चलाया जा रहा है झरिया में, ना इस्लामपुर एरिया में, जहां पर कि इनकी गतिविधि संदिग्ध थी और कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि कुछ लड़के आते हैं जो रात में कॉल सेंटर का काम करते हैं, फिर मॉर्निंग में वापस लौटते हैं और संभवतः वो साइबर अपराध में भी संलिप्त हैं। तो इसको लेकर एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसमें प्रमुख तौर पर हमारे साइबर डीवाईएसपी सुमित कुमार भी थे। इन लोगों ने वहाँ पर छापामारी करने के लिए पहले उस क्षेत्र का हम लोगों ने एक प्रकार से रेखी किया और देखा कि किस प्रकार से चल रहा है। और हम लोग को प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि वहाँ पर कुछ संदिग्ध चीज़ें हो रही हैं, कुछ संदिग्ध गतिविधि वहाँ पर है। तो फिर हम लोगों ने साइबर सेल जो रांची का है उसकी भी सहायता ली, वहाँ के भी डीवाईएसपी साहब आए और उनके साथ टेक्निकल टीम भी थी। फिर इन लोगों ने कल सुबह वहाँ पर रेड किया। वहाँ पर जब रेड किया गया तो वहाँ पर बड़ी संख्या में सीपीयू, वहाँ पर हम लोग को बड़े कंप्यूटर्स लगे हुए थे, लगभग 31 कंप्यूटर्स वहाँ पर जो है वो आपको 44 सीपीयू वहाँ पर लगे हुए थे, कंप्यूटर्स लगे हुए थे। और आईपी फोन्स वहाँ पर 28 हम लोगों को मिले, इंटरनेट प्रोटोकॉल फोन्स होते हैं, और 8 मॉडेम वहाँ पर हम लोगों को लगा हुआ मिला। जब पूरे प्रकरण की जांच की गई, जब उनके कंप्यूटर्स को खंगाला गया, जब इन लोगों से पूछताछ की गई, तो ये बात सामने आया कि इन लोगों ने अमेरिका के नागरिकों को, अमेरिका के जो ग्राहक हैं उनको खास तौर पर टारगेट किया, उनके जो डिटेल्स हैं कस्टमर डिटेल्स को एक्वायर किया। पहले एक्वायर करने के बाद ये उसमें एक टारगेट करते थे जो वृद्ध लोग हैं या जो महिलाएँ हैं, उनको टारगेट करके यहाँ से ये लोग अमेरिकन एक्सेंट में ही बोलते थे यहाँ से, और उनको एक वॉइस मैसेज जो है ड्रॉप कराते थे आईवीआर के थ्रू, इंटरनेट वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के थ्रू वॉइस मैसेज ड्रॉप कराते थे, जिस वॉइस मैसेज में उनको कि उनके अकाउंट से इतना पैसा डिडक्ट हो रहा है, इस प्रकार का एक मैसेज दिया जाता था और एक टोल फ्री नंबर बताया जाता था कि अगर कोई समस्या हो तो आप उस पर कॉल कर सकते। जब उधर से जो व्यक्ति जिसको बताया गया कि आपके पैसे कट रहे हैं, घबरा करके पैनिक में आकर के जब फ़ोन करता था उस टोल फ्री नंबर पे, तो वो फ़ोन रूट होकर के इन्होंने आईपी फोन्स यहाँ पे रखे हुए थे, इन फोन्स पे आकर के वो कॉल गिरती थी जहाँ पर इनके लड़के बैठे रहते थे जो उन कॉल्स को उठाते थे। और उसके पश्चात जो है एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनके स्क्रीन को भी ये लोग एक्सेस कर लेते थे और उस रिफंड का फॉर्म फिलअप कराने के नाम पर उनके स्क्रीन को भी एक्सेस करके उसमें एक्सेस मनी ट्रांसफ़र हो गई है, रिफंड हो गई है, ऐसा दिखा करके फिर उनसे पैसा वापस ये लोग विभिन्न माध्यमों से, गिफ्ट कार्ड्स आदि के माध्यम से ले लेते थे। तो इस प्रकार से ये लोग लगातार काम कर रहे थे पिछले कुछ महीनों से और काफ़ी सारे लोगों को इन लोगों ने एक तरीके से नुकसान पहुँचाया है, वित्तीय नुकसान पहुँचाया है और धोखाधड़ी की है। लगातार ही धोखाधड़ी कि इस तरीके के मामले आए हैं, जो कि इनके डेटा शीट्स भी मिले हैं जिसमें कि जिन लोगों को इन्होंने शिकार बनाया है, जिन लोगों से गिफ्ट कार्ड्स एक्वायर किए हैं उसकी पूरी डिटेल मिली है। तो एक प्रकार से एक बड़े ग्रुप का पर्दाफाश हुआ है जिसका जो टारगेट है वो हिंदुस्तान के लोग ना होकर के विदेश में रह रहे लोग हैं और बड़ी सफलता कह सकते हैं। जनता तो स्थानीय पुलिस को भी हम लोगों ने विश्वास में लेकर के ही ये काम किया है, दरिया पुलिस का भी इसमें योगदान रहा है। बट हाँ, इस मामले में और सचेत होने की आवश्यकता है कि कई बार जब इस प्रकार के उपक्रम चल रहे होते हैं विभिन्न थाना क्षेत्र में या किसी भी मोहल्ले में, तो उसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसकी तफ्तीश होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। क्योंकि केवल कुछ लड़कों को देखना कि वो काम कर रहे हैं और कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, एक बार उसको चेक करने की ज़रूरत ज़रूर महसूस। कितनी राशि धोखाधड़ी का कुछ आकलन हो पाया? जैसा इन्होंने खुद ही बताया है अभी तक कि लगभग हर महीने ये लोग 30,000 to 40,000 dollars का जो है वो लगभग काम कर रहे थे, जो राशि को मिला करके 25 lakh से ऊपर की बैठती है हर महीने के हिसाब से देखें तो। एक बड़ी रकम है जिसका ये लोग लगातार कर रहे थे और आप खुद देख सकते हैं कि जितनी बड़ी तादाद में लगभग 20 लोगों को हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसमें जिस तादाद में हम लोग को आईपी फोन्स मिले हैं, 28 IP phones मिले हैं और 44 CPU मिले हैं, और 8:30 बजे से लेकर के सुबह के 4:30 बजे तक ये लोग लगातार जो ये काम करते थे। और जब हमारी टीम ने वहाँ छापामारी की तब भी लगातार कॉल्स जो है कंटिन्यूअस उस पर आ रही थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे अपना कार्य का एक तरीके से विस्तार ही कर रहे थे
और इसमें जो मुख्य मास्टरमाइंड है वो पहले भी कॉल सेंटर में काम करता था, जहाँ से उसको इस तरीके की टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानकारी थी। तो कुछ यहाँ लोकल लड़के थे और कुछ लड़के ये लोग बाहर से भी, कलकत्ता से भी लेकर के आए थे, जो लोग इस पूरी गतिविधि में, पूरी आपराधिक घटना में संलिप्त। किसी महिला का होने का संदेह है इसमें? क्षमा करेंगे, किसी महिला इस ग्रुप में कोई महिला भी काम करती थी? नहीं, अभी तक जो बात सामने आई है उसमें किसी महिला के होने का तो अभी तक नहीं आया है, और जिन लोगों को हिरासत में भेजा जा रहा है उसमें 20 नाम है जो आप लोगों के साथ शेयर। कितने दिनों से ये पूरा प्रकरण चल रहा है? ये तकरीबन 6 महीने से ऊपर से चल रहा था। पूर्व में भी किस तरह का इतिहास था इन लोगों का? नहीं, इसमें साइबर को लेकर के स्पेसिफिक तो किसी का इतिहास अभी तक, हालांकि अब हम लोग और फिर फर्दर रिमांड पे लेकर और पूछताछ करेंगे, साइबर को लेकर के स्पष्ट तौर पर कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ व्यक्ति निश्चित तौर पर हैं जिनका कि आपराधिक पृष्ठभूमि अन्य मामलों में रहा है, वो चाहे मारपीट को लेकर के हो, चाहे जुआ खेलने को लेकर के हो, इस प्रकार के मामलों में कुछ अपराधी इसमें से पहले संलिप्त रहे हैं। वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है जिससे कि पूरी तरीके से स्पष्ट होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि ये पूरा टेक्नोलॉजी का जिस प्रकार से मिसयूज किया जा सकता है, तकनीक का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा सकता है, वर्चुअल वर्ल्ड का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा सकता है, इंटरनेट हमारे जीवन में चीज़ों को सरल बनाने के लिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी जीवन में सरल ट्रांजेक्शन के लिए लाया गया है, लेकिन उसका किस प्रकार से अपराधी, साइबर अपराधी दुरुपयोग कर सकते हैं, इसका ये एक साक्षात उदाहरण है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन पूरी प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होती थी, तो जैसा अभी तक बात सामने आया है कि बीच में एक और कड़ी है जिसको हम लोग अभी इस पर वर्कआउट हम लोग कर रहे हैं, जिसके द्वारा इनको कैश पैसा जो है ज़्यादातर मामलों में मिलता था। इसका मास्टरमाइंड अभी तक नहीं पकड़ा है? मास्टरमाइंड हम लोग की पकड़ में है, लेकिन इसमें चूंकि कई लेयर्स हैं ना, इसके अंदर एक ही लेयर तो है। यहाँ जो मास्टरमाइंड है वो विक्रांत सिंह ज्वाला सिंह मुख्य तौर पर, ये दोनों यहाँ पर मास्टरमाइंड है। ये दोनों पहले कॉल सेंटर में काम करते थे, जिनको कि काफ़ी कुछ आइडिया था, जो कि तकनीक का इंटरफेस जो है, टेक्निकल जो इंटरफेस है उसका आइडिया था जिनको, और उन्हीं के द्वारा एक तरीके से ये पूरा कोलकाता से बाकी जो लोग थे।